फ्रेंड्स, जेट एयरवेज जिसका नाम आते ही ये लगता है कि ये एयरलाइन कैसे बंद हो गई और दोबारा अपनी उड़ानें कब से शुरू करेगी, तो यहाँ पर जेट एयरवेज के बारे में लेटेस्ट अपडेट हम अपने चैनल के माध्यम से भी आप सभी लोगों को देते रहते हैं। आज भी जेट एयरवेज से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। क्या है ये पूरी न्यूज़, आगे इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, तो वीडियो आप देखते रहें ताकि जेट एयरवेज के बारे में आ रही लेटेस्ट जानकारी आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें कि जेट एयरवेज जिसमें बोली लगाने वाले कार्लो कैपिटल और मुरारीलाल जालान को जेट एयरवेज की कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अक्टूबर 2020 में ही अप्रूवल दे दिया था कि इन दोनों ने जो जेट एयरवेज के लिए बोली लगाई है उस बोली को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अप्रूवल दे दिया है और उनके अप्रूवल मिलने के बाद ही जेट एयरवेज अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड, जेट एयरवेज को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक और कानूनी अड़चन आ गई है, जिस कारण से जेट एयरवेज को अभी भी NCLT से अप्रूवल लेना बाकी है। यहाँ पर आपको बता दें कि जेट एयरवेज का मामला NCLT में पड़े हुए तकरीबन 3 महीने होने को आए हैं और अभी तक कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि जेट एयरवेज को NCLT से अप्रूवल मिलने वाला है या फिर नहीं। इसी डर को देखते हुए अब जेट एयरवेज के पुराने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और इंजीनियर वर्कर्स एसोसिएशन ने NCLT में एप्लीकेशन दायर की है कि NCLT जेट एयरवेज को लेकर अपना फाइनल डिसीजन जनवरी महीने के आखिरी तक जरूर दे दे, जिससे कि जेट एयरवेज फिर दोबारा से अपनी उड़ानों को चालू कर सके। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात है कि जेट एयरवेज को लेकर NCLT 25 जनवरी यानी कि आज से 2 दिन बाद अपना डिसीजन देने वाली है और कहीं इस बार भी यदि NCLT अगली डेट दे देती है तो यहाँ पर जेट एयरवेज का 2021 के समर में उड़ानों को चालू करने का सपना टूट जाएगा। भारत में ऐसे ही कोई भी कानूनी अप्रूवल लेने में सालों लग जाते हैं। यदि ऐसा ही केस जेट एयरवेज के साथ भी हुआ तो जेट एयरवेज की उड़ानें और भी देरी से चालू होंगी और जिसका नुकसान पूरा का पूरा जेट एयरवेज और जेट एयरवेज के पुराने एम्प्लॉई जो कि अभी भी जेट एयरवेज के चालू होने का इंतजार कर रहे हैं उन लोगों को उठाना पड़ेगा। फ्रेंड, जेट एयरवेज को जनवरी महीने में अप्रूवल मिलना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें यदि थोड़ी सी देरी और हुई तो समर शेड्यूल के जितने भी स्लॉट्स हैं जो कि जेट एयरवेज के पास थे वे सभी के सभी स्लॉट्स दूसरी एयरलाइंस कंपनियों को दे दिए जाएंगे, जिसके बाद जेट एयरवेज उन स्लॉट्स को अगले 6 महीने तक यूज़ नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि जेट एयरवेज के पास टोटल 800 से भी ज़्यादा स्लॉट्स हैं। जब जेट एयरवेज की उड़ानें बंद हुई थी जिसमें दिल्ली एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट के अलावा कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के भी इम्पोर्टेंट स्लॉट शामिल हैं जिनकी वैल्यू इस समय करोड़ों में है। यहाँ पर NCLT को अवश्य ही जेट एयरवेज के रिवाइवल के बारे में सोचना चाहिए और जेट एयरवेज को जल्दी से जल्दी रिवाइव करने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि ये एयरलाइंस कंपनी फिर दोबारा से अपनी उड़ानों को चालू कर सके।